अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, रेस्टोरेंट स्टाइल मूंग की दाल, और इसके लिए हम बहुत ही मज़े का तड़का भी बनाएंगे। दिस मूंग दाल रेसिपी इज़ वेरी डिलीशियस, मस्ट ट्राई। लेट्स गो टू द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हम साबुत मसाले ले लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग। अब एक कढ़ाई में 3 स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें साबुत मसाला ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ख्याल रहे कि हमारे मसाले जले नहीं चाहिए, हमने सिर्फ इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, अब इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे। अब इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के रखना है। 5 मिनट के बाद लिड हटा दें और ये देखें हमारे टमाटर कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसको चम्मच से हल्का हल्का सा प्रेस कर लें। अब इसमें दाल ऐड कर दें। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1 टेबल स्पून नमक ऐड करें। अब इसमें पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें तकरीबन 2.5 कप पानी ऐड किया था। अब इसको कवर करके रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें घी चाहिए, मैंने यहाँ 8 चम्मच घी लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ, ये ऐड करेंगे। अब इसे ब्राउन कर लेंगे। 5 गोल लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अब इसे फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही मज़े का खूबसूरत सा तड़का तैयार है। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे हमारी दाल में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। दाल हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें तड़का लगा देंगे एंड इट्स रेडी। आप भी मेरी स्टाइल से दाल ट्राई करें एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।